इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो शुरुआत है, अभी तेरा भरता बनाता हूं। लगता है ऊपर वाला भी कॉपी पेस्ट सीख गया है। सारी छोरियां सेम दिखती हैं। या तो फिर सबके पास एक ही ब्यूटी ऐप है। क्या हाल हो गया दुनिया का। इस झींगे को भी गर्लफ्रेंड मिल गई, इससे अच्छा तो मुझे चुन लेती। सफेद और नीले रंग की शर्ट और काली बेसबॉल कैप। मेरे मैथ्स के प्रोफेसर कहते थे असली सुख मैथ्स में ही है, पर हम हैकर्स के लिए किसी के कंप्यूटर में घुसने का सुख चरम सुख जैसा है। टारगेट को लॉक किया, लूप होल्स ढूंढ लिए और सिर्फ 17 इंच की स्क्रीन के पीछे बैठ के कर ली दुनिया मुट्ठी में। आह, इस मुट्ठी का तो मजा ही अलग है। पर वैसे मैं हैकर नहीं हूँ, ना ही मुझे दुनिया को बचाने का कोई शौक है। मैं एक नंबर का निठल्ला हूँ और मेरे पास बहुत फालतू का टाइम है, इसलिए मुझे हर छोटी चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। खैर, जल्दी ही अपना टाइम भी आएगा।
हमारे सभी कैसीनो ऑनर्स को उनके ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज दिए गए। इस साल लोगों ने काफी मुनाफा कमाया, अब हमारे मुनाफा कमाने का टाइम है। जी जेंटलमैन, हमारी ऑनलाइन कैसीनो सर्विस ने इस साल काफी मुनाफा कमाया है और इसलिए हम अपनी सर्विस फी बढ़ा रहे हैं 10%। मुझे नहीं पता, ये बंद हो गया। अचानक, अरे देखो जरा सर्वर रूम में जाके देखो। हेलो जी, ज़ेब्रा आगे की बात मैं कर लेता हूं। जेंटलमैन, फीस में थोड़े बदलाव हुए हैं, वो भी 50%। क्या 50%? एक पैसा नहीं मिलेगा। सटिया गया है क्या?
भाड़ में जा। कुआलालंपुर पहुंचते ही क्या करोगी? जाफरान चलेंगे और चिकन टिक्का खाएंगे। शैंपेन के साथ चिकन टिक्का भी तुम्हारी ही ऐसी पसंद हो सकती है। हाँ ऐसी ही हूँ मैं। वेलकम फेई। मिस्टर मौरी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं और तुमसे मिलने के लिए बेकरार भी हैं। चलो मेरे साथ। मिस्टर मौरी, अंडरग्राउंड कैसीनो के बाद कैसा रहेगा? हम अपना ध्यान मनी लॉन्ड्रिंग और बिटकॉइन ट्रेडिंग के काले बाजार पर डालें तो? काले बाजार का जो धंधा है वो तुम्हारे लिए बहुत ही गंदा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और इंटरेस्टिंग सोच कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम ओएसिस हैक करो। द पॉक्शनल सिस्टम, ये करना नामुमकिन है। हर किसी की, हर चीज की एक कमजोरी होती है। मुझे यकीन है कि तुम वो ढूंढ लोगे। याद रखना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इस काम को करने के लिए मुझे जरूरत होगी एक पार्टनर की। मर्दाना, जनाना, बूढ़ा, जवान, शैतान, इनकार्नेट और घोस्ट, हर नकाब में एक आत्मा बसती है। तुम्हें जो पसंद है उसे उठा सकते हो। घोस्ट इसका मतलब तुम सच में एक परछाई हो, और ये बात समझ में भी आती है। इंटरनेट पर हर कोई नकाब पहनता है। हैकर्स और कुछ नहीं, इंटरनेट के घोस्ट ही हैं। वो हर जगह पर हैं, इलेक्ट्रॉनिक निंजाज, वो भी इंटरनेट के। और तुमने बिल्कुल सही चुना। आप होते तो किसे चुनते? मैं तो सिर्फ मास्क का पेंटर हूं। उसे ढूंढो जिस पर विश्वास कर सको। ऑफ कोर्स हीरे की परख मैं ही करूंगा। याद रहे, जितना कम टाइम उतनी ज्यादा फीस, और इस मिशन के लिए पैसे दोगुने लगेंगे। दोस्तों के आगे पैसों की नहीं सोचते। उम्मीद करती हूँ कि मस्ती के लिए वक्त निकाल लोगे। मस्ती के बारे में तुम मत सोचो। एक और बड़ा काम, इस काम के खत्म होते ही हम घूमने चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तुम कुछ और खाओगे? मेरा हो गया। मुझे पता है किसे लेना है। एक ही बंदा है जिससे मैं हारा हूं, वो भी हैकिंग कॉन्टेस्ट में। कॉलेज के हैकिंग कॉम्पिटिशन में मुझे यकीन था कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन आखिरी वक्त पर मैं भटक गया। पीछे से आकर एक कछुए ने बाजी मार ली और मैं हार गया। ये रहा कैप्टन पायरेट, यही है वो।
वेटर चेक प्लीज। ये मुझे देख रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो दूध देख रही है। अरे नहीं नहीं यार, ये तो मुझे को देख रही है। ये तो दूध ही देख रही है, दही जमाएगी क्या? पर इतनी देर तक दूध में क्या देखना, फटाफट लो निकलो। हेलो, ये काम नहीं कर रहा। ऐसे कैसे काम नहीं कर रहा? कैश दे दीजिए। मेरे पास कैश नहीं है, आप रहने दीजिए। इसे मेरे बिल में ऐड कर दीजिए, तुम मुझे बाद में पे कर देना। थैंक यू। वेलकम। इसे हो क्या गया? आज सुबह ही तो रिचार्ज किया था। मुझे लगता है तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया है। सच में? तुम कहो तो मैं चेक करूं। लो हो गया। हो गया ये तो। आपने तो कमाल ही कर दिया। आप व्हाट्सएप पर हैं क्या? अरे हाँ, हूँ ना, बिल्कुल हूँ। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। ओके, बाय बाय। मिलते हैं। एशिया की सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएसिस ग्लोबल ने मलेशिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसी के साथ ये देश के हवाई यातायात, रेल मार्ग और सड़क मार्ग की एकमात्र ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई है। ओएसिस 2.0 बहुत जल्द ही इंटरनेट पर लॉन्च होगा। ओएसिस के सीईओ पार्क शेनिल ने इस बात की पुष्टि की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करेंगे। आज एक हसीना से मुलाकात हुई, गेम के कैरेक्टर से कम नहीं थी। हे, तुझे क्या हुआ? मैं हमेशा सिंगल तो नहीं रह सकता ना? अरे यार, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, समझा कर यार। क्या ये कबाड़ी मुझसे ज्यादा दिलचस्प है? ये क्या है? वैसे तो ये मामूली अंगूठियां हैं, पर हमारे बहुत काम की चीज है। हे! Huh.
चल मैं चलता हूँ। बाय। हामिंग, यकीन नहीं हो रहा तुम जिंदा हो, कहाँ उड़ गए थे? मैं हूँ तुम्हारा क्लासमेट। अरे आप हो कौन? मेरा क्लासमेट इतना बुरा कैसे होगा? अरे चल ना, पुरानी यादें ताजा करते हैं। अरे भाई साहब, प्रॉब्लम क्या है? टॉयलेट में क्यों लेके आए? चाचा ये बताओ, तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तेरी पूरी जन्म कुंडली जानता हूँ कैप्टन पायरेट। 13 साल की उम्र में तुमने पहली बार प्रोग्रामिंग की। मुझे लगता है तुम गलत आदमी के पास आए। हिलना मत, बिल्कुल भी मत हिलना। इज्जत उठोगे क्या? मैं पुलिस वाला हूँ, यहाँ की पुलिस की मदद से मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। मैं क्यों मानूं? देखो ये है मेरा आईडी कार्ड, मैं एक पुलिस कमिश्नर हूँ। यहाँ तो अरमान नकली, ये बनाना कौन सी बड़ी बात है? तुझे वो हैकिंग कॉन्टेस्ट का फर्स्ट रनर अप ज़ीब्रा याद है? ज़ीब्रा? इतने सालों से उसके बारे में नहीं सुना, उसने मेरी नींदें उड़ा दी थी। सच कहूं तो मैं उससे कभी मिलना नहीं चाहता था, पर सच कहूं उसमें कुछ तो बात थी। मुझे अभी भी उस साल का हैकिंग कॉन्टेस्ट याद है। मुझे लगा था मैं 1 घंटे के अंदर जीत जाऊंगा, पर ये ज़ीब्रा तो बहुत खतरनाक निकला। इसे हराना बहुत मुश्किल था, उसने तो मेरी बैंड बजा के रख दी थी। बारह घंटे लगातार बैठे बैठे मेरी सुसु ने भी जवाब दे दिया था। आप सोच भी नहीं सकते, मेरा ब्लैडर बस फटने की कगार पे था और सुसु के प्रेशर के कारण फाइनली मैं उससे जीत गया और मैंने बैंड में ही सब कुछ कर डाला और सो गया। उस दिन के बाद से तू हमेशा ही सोता रहता है कैप्टन पायरेट, और घर में अकेला पड़ा रहता है सारा दिन, कुछ नहीं करता। तो क्या करूं चीचा, बैंक में डाका डालूं क्या? तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर ज़ीब्रा ने बहुत कुछ किया। अब वो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स गैंग के लिए हैकिंग करता है, और कुछ दिन पहले ही उसे हांगकांग एयरपोर्ट पे देखा गया। अरे चीचा, तो इससे मेरा क्या लेना देना? इन्फॉर्मर से पता चला है कि हांगकांग वो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे साथ काम करने के लिए। क्या मेरे साथ? तो तुम यहाँ बैठ के मुझसे टट्टी क्यों करवा रहे हो? जाके पकड़ो ना उसे। ज़ीब्रा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, सालों से उसके पीछे पड़ा हूँ, सबूत ही नहीं छोड़ता, लेकिन अब उसकी नजर तुम पर पड़ी है और वो सबूत तुम मुझे ला कर दोगे। ए, रुक, 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 रुक। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जवान दिखता हूँ, पर मुझ में बीमारियां बहुत है। मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर हो चुका है, हाई बीपी है, लो शुगर है, और आजकल तो मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। शक्ल से तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ। देखा, मैं तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाता। देखो चाचा, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, किसी और को ढूंढ रहा। ये कार्ड तुम अपने पास रख लो, इसे खोना बिल्कुल मत। अरे ये क्या पकड़ लिया? इसकी जरूरत कभी कभी पड़ेगी, याद से फोन करना। तुम एक छोरकी बुढ़े हो। अच्छा, तो तुम मुझ पे जासूसी करना चाहते हो? कैसे हो कैप्टन पायलट? अरे यार, ये तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
हम जल्द ही मिलेंगे। यार ये क्या कर रहा है, तो सारे कंप्यूटर्स पे आ गया, चाहता क्या ये? अब तो लग रहा है वो चिचा सही कह रहा था, मैं सच में खतरे में हूँ। यार मैंने तो आज तक पड़ोस की लड़की भी नहीं छेड़ी, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? लिए हॉमी, हम तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। और ये ज़ेब्रा, जिसका असली नाम है चाओफेई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने से पहले बन चुका था एक टॉप का हैकर। उसके बाद वो यूरोप चला गया, वहां वो किराए का सैनिक बन गया। उसकी फीस काफी ज्यादा थी, फिर भी हर कोई उससे ही काम करवाना चाहता था, और हर क्रिमिनल की पहली पसंद है वो। अगर उसका और मेरा सामना हुआ तो मैं तो पक्का काम से गया। कैसे हो ली? क्या आज रात तुम फ्री हो? उस दिन की मदद के लिए शुक्रिया, आज रात डिनर पर चलोगे क्या? मेरा फोन खराब तो नहीं हो गया? एक भी रिप्लाई नहीं। लगता है यहाँ पे नेटवर्क काफी खराब है। वैसे कुंडली भाग ऐप तो कह रहा था कि मेरी जिंदगी में रोमांस आने वाला है, फिर ऐप फॉलो की तो यार वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? एक तो जिंदगी में लड़की नहीं, ऊपर से ठरकी बुड्ढा मेरे सर पे शनि की तरह बैठा है। अब मैं करूं तो करूं क्या? फंसी तो फंसी, ये फंडा ही गलत है। सच कहूं तो उसे पहली बार देख के लगा था वो मुझे पसंद करती है, दूध को नहीं। कहीं उसका फोन तो नहीं खराब हो गया? सुई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सुना है कि ये घुसपैठिया है और दुनिया में इसका अपना कोई नहीं। ये चाओफेई से कुछ साल पहले मिली, वो भी एक गैर कानूनी मिशन पर, और उसके बाद ये दोनों लव और क्राइम पार्टनर बन गए। नाम सुई है पर किसी तलवार से कम नहीं। लगी। अरे तुम कहाँ हो? मैं बस पहुंच रहा हूं। क्या मैं एक मिनट तुम्हारा फोन देख सकता हूँ? तो हम मिल ही गए, कैप्टन पायरेट। और तुम कौन? हाँ डरो मत, बैठो। पेमी यहाँ का बहुत बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, इसे हैक करो। तुम्हारे पास एक मिनट है। एक मिनट में? मजाक कर रहे हो क्या? हम मजाक नहीं करते। ओके, मैं करता हूँ। ये AES स्टैंडर्ड से बना है, 256 बिट। इसका प्रोटेक्शन सिस्टम 30 सेकंड बचे हैं। हाँ, देखो तुम भी हैकर हो, तुम ये बात जानते हो कि मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता। इसके फायरवॉल का डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स है। तू पागल हो क्या? 20 सेकंड बचे। मैं ट्राई करता हूँ। इस साइट पे 24 घंटे हैकर्स की टीम होती है। एक हैकर के घुसने के बाद दूसरे हैकर के पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त होता है। 10 सेकंड। गन रखने से क्या होगा? 5। मैं नहीं कर सकता। 4। मैं नहीं कर पाऊंगा। 3। 2। ठीक है, मार दो, मार दो, मार दो। तो पायरेट, इसीलिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा, समझे? वेलकम कैप्टन।
पेमी का सीईओ ल्यूकिन इजराइल से लाए हुए हैकर्स पर भरोसा करता है। हैकर्स की ये टीम शिफ्ट में काम करती है। पूरी तरह सुरक्षित कमरे में बैठकर तीन हैकर्स के ग्रुप में हर चार घंटे में इन ग्रुप्स की शिफ्ट्स बदलती हैं। उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स, आंखों के स्कैन इस सिस्टम में जाने के लिए बहुत जरूरी है, और जब ये शिफ्टिंग हो रही होगी तब हमें मौका मिलेगा सिस्टम के अंदर घुसने का। हेलो, इसे टेस्ट करेंगे? ये क्या है? ये क्या है? कुकीज है क्या? कुकीज? अरे वाह, तो ये तो बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बाय बाय। बहुत बढ़िया कुकीज है। क्या बात है? सिखाई नहीं मैंने। बढ़िया थी। बात ये क्या है? क्या हो रहा है? चल क्या रहा है यहां? हटो यहां से। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। आगे क्या हो रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। स्विस अकाउंट में 10 लाख यूरो ट्रांसफर कर दो। पैसे मिलते ही तुम्हारा सिस्टम चलने लगेगा। एंजॉय। कर दो ट्रांसफर। चीयर्स। तुम दोनों की यारी काफी पुरानी है। हाँ बिल्कुल, हम लोग काफी पुराने दोस्त हैं। हमारा रिश्ता तुम्हारी तरह नया नहीं है। अब वो भी हमारा साथी है। शायद वो बुरा मान गया। ये लो। मैं पीता नहीं हूँ। चीयर्स। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। अब समझा लोग पियकड़ क्यों बन जाते हैं। है तो अच्छी चीज। संभल कर ज्यादा मत पीना, वरना सुबह उठ नहीं पाओगे। उठ के उखाड़ूंगा भी क्या। चीयर्स। अच्छी तरह सोना। तुम्हारी दोस्त कहाँ गई?
सीधा अगले जन्म में ही उठोगे। ये सब क्या चल रहा है? टेस्ट कंप्लीटेड। स्वप्न परीक्षण मनोवैज्ञानिक रूपरेखा को पहचानने का कार्यक्रम है। इसमें तुम्हारे दिमाग में पहले से ही लिखे सपने तरंगों के सहारे ढाले जाते हैं। तुम्हारे दिमाग को अच्छी तरह से परखा जाता है, तुम्हारी कमजोरी और डर को पहचाना जाता है। साथ ही ये देखा जाता है तुम परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे। ये सब जरूरी है तुम्हारे दिमाग और मन को मजबूत बनाने के लिए। मजबूत बनाने के लिए या मेरी पैंट गीली करने के लिए? तुम्हारे अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तुम्हारे दिमाग का हिस्सा जो भावना को काबू में करता है उसमें इस समय हलचल मची हुई थी, जो हमें ये बताती है कि तुम सिर्फ सुई पे ही नहीं बल्कि उसके पार्टनर पे भी मरते हो। सॉरी ली, तुम्हारे इस गुड्डे को हमने एक ब्लूटूथ डिवाइस बना दिया है। तुम इसकी मुंडी घुमा के हमें मेल कर सकते हो। टेंशन नॉट, इस शहर में तुम्हारा सारा ख्याल हम रखेंगे। और सुनो, तुम्हारे साथ अब जो कुछ भी होगा वो कोई सपना नहीं होगा। तुम्हें अपनी नजरें और अपने कान खुले रखने होंगे। इस वक्त तो मैं गेम के अंदर नहीं हूं, है ना, क्योंकि ये सपना तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ये गेम होता तो मरने का डर नहीं होता, पर ये हकीकत है। एक काम करता हूं, मैं कहीं दूर भाग जाता हूं। हीरो मटेरियल तो मैं हूं नहीं। हाय ली, क्या तुम अभी फ्री हो? तुम कहाँ? ऑफ कोर्स घर पर ही हूँ। ये तो मेरा घर है। वही तो कहा, तुम्हारे घर पर। क्या कबाड़ में रहता है कबाड़ी कहीं का? क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं हूं ज़ीब्रा। हमारी मुलाकात हो चुकी है। हैकिंग कॉन्टेस्ट में तुमने मुझे हराया था। ज़ीब्रा, ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत अच्छा दिमाग दिया है, तुम उसका इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से करो। तो तुम्हारा असली नाम क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ काम करो। और काम क्या है? वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और अगर मैंने मना किया तो? तो अभी इस गाड़ी से उतर जाओ। इस लड़की का हाथ है क्या तोड़ा? वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? कुआलालंपुर। तो हम हांगकांग नहीं जा रहे? मेरा मतलब तुम हांगकांग से ही हो ना? कपड़े बदल लो। अरे मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। बैग में सब कुछ मिल जाएगा। ये तो आधार कार्ड वाली फोटो है। हाँ?
अरे मैं कह रहा हूँ मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ। फोन दो। क्या? फोन दो तुम्हारा। क्यों चाहिए? आज के बाद तुम हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। अबे ये तेरा नहीं मेरा फोन था। इतनी बेरहमी से पटका। तुम्हें लगता है ये नमूना तुम्हारे पार्टनर बनने लायक है? ये अब तक वर्चुअल वर्ल्ड में रहा है, असली दुनिया में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। कबाड़ी कहीं का। माफ करना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। आई एम सो सॉरी। ये पकड़ो, कहीं जाना नहीं। हाँ, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था, मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी। मैं जरा देख के आता हूँ। हेलो मिस माया, हम पहुंच गए हैं। ये चश्मिश, जानना चाहता है लेवल कैसे पार करते हैं? मुझे नहीं जानना। हा? वैसे इस गेम में छिपे हुए वेपन्स है जो मैं ढूंढ सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हारा फोन चाहिए। ये सीक्रेट है, किसी को बताना हुआ, ठीक है? भैया। अरे चीचा, मैं बोल रहा हूँ। ये लोग तो मुझे मलेशिया लेके आ गए हैं। अरे मैं इस वक्त कुआलालंपुर में हूँ। टेंशन मत ले, तुम्हें वो गुड्डा दिया था ना? हा? उससे मुझे अपने सारे प्लान भेज दे। अबे, मैं वहाँ की पुलिस को तुम पर नजर रखने को बोलता हूँ। मेरी बात तो सुनो चाचा। कबाड़ी, तुम लोग यही काम करोगे, जरूरत का सारा सामान यहाँ मौजूद है। इससे ज्यादा गंदी जगह नहीं मिली। कुछ और चाहिए तो बता देना, पर भूलना मत मेरी नजरें 24 घंटे तुम पर है। चलो मैं चलती हूँ, काम पे लग जाओ। ए, सिर्फ काम के लिए? क्या मैं अपने घर वालों को मैसेज डाल सकता हूँ कि मैं सेफ हूँ? क्यों, हम लोग तकलीफ दे रहे हैं? ये क्या है? उल्टी के लिए है। ये तो प्रेग्नेंट औरतों की उल्टियों के लिए है। हाँ जानती हूँ। इस एहसान का शुक्रिया। ये इतने अंधेरे में क्यों बैठा है? कल से तो ये विलेन जैसा नहीं लगता। इस पर ये ड्रेस बड़ी जच रही है। ऐसे उकड़ू बैठे बैठे पैर की बैंड बच गई।
ये फिर उल्टी करवाएंगे क्या? मिस्टर मौर्य, ये है मेरा नया पार्टनर ली हाउमिंग। ये चाय है ना? डरो मत, इसमें जहर नहीं है। नहीं नहीं, वैसे जहर होता तो भी क्या फर्क पड़ता। लो इससे पूछ लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं, अपने आप को पूछ लो। ये परफेक्ट है। आपको पता ही होगा कि ये सबसे बेहतर है। भूलना मत, इससे पहले मैं भी कभी हैकर था। तुम दोनों की खूब जमेगी। पहले मेरा काम होना चाहिए, फिर ओएसएस 2.0 का लॉन्च। आज मैं इनके बड़े बॉस से मिला, मुझे बैकअप की जरूरत है। अब ये क्या है? वाओ सुई, वैसे तुम्हें मशीन मिली कहां से? ये बहुत सही है। बकवास बंद करो। ओएसएस का पूरा डेटा एक नॉन नेटवर्क कंप्यूटर रूम में है, जिसे हमें ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले क्रैश करना है, ताकि किसी के पास इतना वक्त ना हो कि वो उसे ठीक कर सके। क्यों ना हम वहाँ जॉब अप्लाई करने के बहाने अंदर घुस जाएं, और जब पाक ना हो तो हम अपना काम आसानी से कर लें। तुम क्या कहती हो? तुम्हें तो कोई वहाँ पर सफाई के लिए भी नहीं रखेगा। मेरा दिल तोड़ दिया तुमने। इस कमरे के बाहर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जिस वजह से कोई भी कंप्यूटर या ड्राइव अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ पाक शिनहिल और उसके दो साथी ही इसके अंदर जा सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं, वो भी सही पासवर्ड डालने के बाद। तो किसी भी तरह का डिवाइस हम अंदर नहीं ले जा सकते। अगर मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दे तो हो सकता है। हम दोनों वॉकी डॉकी से काम करेंगे, तुम उस वक्त बाहर रहोगे। हम दोनों पासवर्ड क्रैक करेंगे, उसके बाद मैन्युअली उसे रीप्रोग्राम करेंगे और अपना बग डाल देंगे। मैन्युअली? पार्क शिनहिल कई बार अपने कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को सिस्टम टेस्ट करवाने के लिए बुलवाता है। कब कौन आएगा इसकी डिटेल्स चीफ ऑफ सिक्योरिटी को मेल की जाती है। साथ ही एक इनविटेशन लेटर उन एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है, जिसमें उनके आने की तारीख और टाइम के साथ पार्क की सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और इसकी नकल नहीं की जा सकती क्योंकि इसे मशीन से स्कैन किया जाता है। हमें पार्क की आवाज उसके इंटरव्यू फुटेज से मिल जाएगी। इतने इंटरव्यूज देना कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है। हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि किसे सिग्नल मिलेगा और किसे सिग्नल नहीं मिलेगा, इसीलिए कुछ सिग्नल्स को ब्लॉक करना होगा।
हेलो हेलो आप दो मिनट रुकिए, मिस्टर पार्क को आपके आने की सूचना देता हूं। मैं सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ, मिस्टर पार्क, क्या आपने कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को बुलाया है? हाँ, मैंने ही डॉक्टर ली और डॉक्टर चैन को बुलाया है सिक्योरिटी कंपनी से, हमारे कंप्यूटर मशीन रूम की टेस्टिंग के लिए। ठीक है, देरी के लिए माफी चाहता हूँ, आप इनके साथ जाइए। वेलकम। इस खूबसूरत पल में मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। ओएसिस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कई सालों से अपने कस्टमर्स का ख्याल रखा है, उन्हें एक सेफ और अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। अब हमने हमारे एफिशिएंसी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है। हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए ओएसिस 2.0। अब हम क्या करें? इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओएसिस अब ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि एयर ट्रैफिक, साथ साथ रोड ट्रैफिक भी। हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब फायदा उठा पाएंगे ओएसिस के साथ भविष्य में भी। थैंक यू। चुप हो जाओ, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। शाला, मैं कितनी बार तुमसे कहूं? हाँ, तुम दोनों को सिर्फ अभी उंगलियां चलानी है, मुंह नहीं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। या! काफी परेशान हो मिस्टर पार्क। तुम कौन हो? मैं आपसे $10 million में ओएसएस खरीदने आया हूं। तुम्हें पता है वो बिलियंस में है, मिलियंस में नहीं। क्या ये सच है कि आपका परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक हुआ है एक छोटे से वर्म वायरस से? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! मुझे यकीन है कि लोगों को पता नहीं कि जो फंडिंग आपको पहले बिजनेस के लिए मिली थी वो आपको स्विस बैंक को हैक करके ही मिली थी।
आपके लिए ये कितना जरूरी है कि इस बात का पता लोगों को ना चले? जब आप स्टेज पर लौटोगे, आप अनाउंस करोगे कि आपने ये सिस्टम मेरे बॉस के साथ मिलकर रचा है। आप उन्हें स्टेज पर बुलाओगे और उन्हें ये प्रोजेक्ट सबके सामने सौंप दोगे। थैंक यू। मैंने अभी एक नया फैसला किया है और वो भी ओएसिस सिस्टम के लिए। मैंने फैसला किया है कि मैं ओएसिस 2.0 को बेचने वाला हूँ। इसके नए ओनर हैं नामी एशियन आईटी एंटरप्रेन्योर। वेलकम मिस्टर तकेशी मौरी। ओएसएस का सही इस्तेमाल मेरे हाथों से होगा। मैं नहीं चाहता था कि इसकी होनहारी व्यर्थ हो जाए। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए फेमस एजेंट एंटरप्रेन्योर मिस्टर तकेशी मौरी का। थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैं यहाँ आकर बहुत ही खुश हूँ। पहले का सिस्टम हमें नई सोच दे रहा था, वही सपने, वही भविष्य। लेकिन अब इसकी पॉसिबिलिटीज को इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम बहुत जल्द ही इसके आखिरी पड़ाव को पूरा करने वाले हैं और हमारा ये सिस्टम जल्द ही सार्वजनिक होगा। मुझे यकीन है कि इसका हुनर दुनिया के लिए मददगार साबित होगा और मुझे गर्व है कि यह मेरी वजह से हो रहा है। थैंक यू। मिस्टर मौरी आपसे मिलना चाहते हैं, वो वहां बैठे हैं। ओके, लेट्स गो। मिस्टर मौरी, मैं सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूं। डेविड ली, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम और साथ ही प्रेसिडेंट है एटी टेक्नोलॉजी कंपनी के, जो स्विट्जरलैंड में है। इस पार्टी के बाद वो अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट में एक मीटिंग अटेंड करने जाएंगे ज्यूरिख में, और उस प्लेन में 250 सोने की ईंटें होंगी जो निकाली गई हैं कुआलालंपुर के स्विस बैंक से, और जो उसी प्लेन के स्टोरेज रूम में होंगी। सर, आपको इतना सब कैसे पता है? वो सारा सोना तुम्हारा हो सकता है। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना सर? तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम्हें सिर्फ ली से ये कहना है कि वो अपने साथ सारे सीईओज को भी उस मीटिंग में ले जाए, और ये ध्यान रहे कि वो सभी उस प्लेन में एक साथ ट्रैवल करें।
एंजॉय। कैप्टन पायरेट, क्वालालंपुर में क्या हुआ वो मुझे पता चल चुका है और मैंने वहां के लोकल के साथ बात भी कर ली है। तुमको जब भी जरूरत होगी वो लोग तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। मैं एक बात बोलो, यहाँ का खाना जबरदस्त है, तुम्हें ये जगह पता कैसे चली? हम जब भी कोई काम खत्म करते हैं तो सेलिब्रेट करने यहीं आते हैं। मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ, आज मेरा हैप्पी बर्थडे। मुझे तो लगा तुम मुझे गोली मार दोगे, थोड़ा प्यार से बोल देते, पर थैंक यू मुझे विश करने के लिए। ये तुम्हारे लिए। अच्छा गिफ्ट भी है? ओ तेरी, यही तो मुझे चाहिए थी। सुई को पता था कि तुम्हें ये चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला? थैंक यू। तो क्यों ना एक सेल्फी ली जाए, मैं ही लेता हूँ। आ जाओ पास, आ जाओ। हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा और पास। रेडी, ये खींची। इसी बात पे चीयर्स। आज दोपहर ओएसिस के फाउंडर की कार दुर्घटना में मौत हो गई। आज ही उन्होंने प्रेस में अपनी कंपनी की नई विकसित ओएसिस 2.0 सिस्टम को एशिया के नामी व्यवसायी मिस्टर मोरी को बेचने की घोषणा की थी। मिस्टर मोरी ने इस बात पर शोक जताया है और कहा है कि इस हादसे के बाद वो ओएसिस 2.0 को और भी ऊंचाई पर ले जाएंगे। नई ओएसिस 2.0 जल्द ही सभी के लिए सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध की जाएगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी गुड बाय बोल सकती है। तुम हमें गुड बाय बोल दो। हाँ, पार्क का एक्सीडेंट नहीं मर्डर था, ये खेल अब खतरनाक हो रहा है, बेहतर है कि तुम चले जाओ। पर तुम्हारा और सुई का क्या? सुई तुम्हारी टिकट्स का इंतजाम कर लेगी, सामान पैक कर लो। क्यों, कहाँ जा रहे हो? अच्छे पार्टनर्स इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ते। तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ओएसिस में बैकडोर कोड डालो, वो भी सिर्फ 12 घंटों में। तुम लोगों पे नजर रखना चाहते हो, उनकी प्राइवेसी का क्या? इतना टाइम काफी नहीं है, नहीं हो सकता। जितना कम टाइम उतनी ज्यादा फीस, तुम्हें कहा था। पैसों की बात नहीं है, हमें ये नहीं करना। फिर से बोलो। तो ठीक है, इसकी कीमत क्या होगी? ये तो सुई की अंगूठी है। आगे बढ़िए। होटल ब्रावो 2201 उड़ान के लिए तैयार है। होटल ब्रावो 2201 उड़ान के लिए रास्ता साफ है, आपका दिन शुभ हो।
ये रहे तुम्हारे कोट्स। तुम्हारा काम हो गया है, हमारी प्रोग्रामिंग को कोई छू नहीं सकता, अब उसे जाने दो। सुई कहाँ है? सुई, जल्दी करो, एग्जिट उधर है। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा, तुम्हारी बांह से खून निकल रहा है। चुप बैठो कबाड़ी। करप्टेड ओएसएस डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कैसे रोकें? क्या तुमने कभी प्राइवेट जेट से सफर किया है? करना चाहोगे? तो हम उड़ान भरेंगे ओएसएस सिस्टम के साथ।
ये काम खत्म होते ही तुम चली जाना। कहां पर? कहीं भी, पर मेरी जिंदगी से दूर। बकवास मत करो। लियाओ मैंग, तुम भी। तुम पागल हो गए हो? यहाँ के पुलिस कमिश्नर से बात कर लो, वो कुआलालंपुर से तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। तो तुम सब जानते थे? मिशन कोड KL925 चाउफे कुआलालंपुर से कमिश्नर के ऑर्डर पर रिपोर्टिंग टू ऑफिसर रॉब वर्होम। करप्ट ओएसएस 2.0 अपलोड हो चुका है, अब हम तलाश में हैं टकेशी मौर्य के। तुरंत बैकअप भेजिए। आखिर तुम हो कौन? मैं यूरोपोल के लिए काम करता हूं, साइबर क्राइम यूनिट डिपार्टमेंट के लिए। मैं मौर्य के गिरोह के साथ अंडरकवर काम कर रहा था, जानने के लिए कि उसे फंडिंग कहां से मिलती है। तो तुम ही वो इंसान हो जिसके बारे में चेचा ने बताया था? वैसे अब हम कहां जा रहे हैं? ओएसएस के हेडक्वार्टर्स। मुझे हार्ड ड्राइव क्लियर करनी है। वहां जियोस्टार इनसैट है, 3D सैटेलाइट है, ठीक श्रीलंका के ऊपर। सुपरवाइजर कीला कंट्रोल, सुपरवाइजर कीला कंट्रोल, HB2201 रडार से गायब हो चुका है। हमारा प्लेन घटना स्थल पर पहुंचेगा 15 मिनट में। उससे पहले मैं सारे के सारे वीडियो रिकॉर्ड्स बदल दूंगा अगले 40 मिनटों में, ताकि किसी को पता ना चले कि प्लेन कहां है, बस मेरे अलावा। यानी अब तक जो भी कहा वो सब झूठ था, है ना? मुझे माफ कर दो। निकलो। सुई, तुम दोनों यहां से बाहर निकलो। मेरे पास हेडक्वार्टर के लिए एक संदेश है। एक प्लेन में 4 CEOs हैं जो मेरे कब्जे में हैं। जब प्लेन उतरेगा तो मैं उन्हें अपनी कस्टडी में ले लूंगा और उनकी एब्सेंस ज्यूरिख की मीटिंग में हलचल मचा देगी, और इस तरह से यूरोज का भाव नीचे गिर जाएगा। हम रास्ता भटक गए हैं, कंट्रोल रूम से हमें बात करनी होगी और पता करो क्या हो रहा है। इधर आओ, ये देखो क्या हुआ। यहाँ देखो, कॉलिंग हेडक्वार्टर्स, सिग्नल में कुछ खराबी है। लोगों ने अब तक OSS 2.0 डाउनलोड कर लिया है, इन सब में वायरस है। एक ट्रैकिंग प्रोग्राम लिखो OSS के क्लीन डेटा के साथ, जिससे हम डेटा पर नजर रख सके, इस तरह मिस्टर मौर्य के बारे में पता कर सकते हैं। कोशिश करता हूं। मिल गया,
इस 10 में से कोई एक लोकेशन है। ये क्या, इनमें से कोई भी लोकेशन टर्मिनल नहीं दिखा रहा है। डेटा ट्रांसफर करो, मैं एक मेल लिखता हूँ जिससे लोगों को शक ना हो, किसी को पता ना चले कि हम ट्रैक कर रहे हैं। मिल गया। अब यूजर्स के अपग्रेडिंग प्रोसेस को रोक लो। सर, मिस्टर मौरी की पोजीशन पता चल गई है। उसकी लोकेशन भेज रहा हूँ। M3092203 E1014239। तुरंत बैकअप भेजिए। लोकल एजेंट्स को कॉल कीजिए। माया, तुम यहाँ पर आओ। चलते हैं। कंट्रोल टावर से सिग्नल नहीं मिल रहा है। हम डेस्टिनेशन एयरपोर्ट को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। 121.25 मेगाहर्ट्ज़ पे चेंज करो। इमरजेंसी कॉल करके देखो। रीबूट करो इन फ्लाइट नेविगेशन इक्विपमेंट और रूट चार्ज को। अब जल्दी करो। मौरी ने फ्लाइट के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए। मतलब हाईजैक? जिसके रिकॉर्ड्स उसने डिलीट किए हैं, वो एटी कंपनी का प्लेन है। उस प्लेन में दुनिया के 4 बड़े सीईओ हैं। तो मौरी का प्लान ये था। पर मुझे ये प्लेन रेडार पे नहीं दिख रहा है, और ना मैं ओसिस से उस पे लॉगिन कर पा रहा हूँ। ये मेन टर्मिनल नहीं है, मेन कंट्रोल कहीं और है। मिस्टर मौरी ने कंट्रोल अपने पास ही कहीं रखा हुआ है। पोर्टेबल डिवाइस। मुझे लगता है कि ओसिस उसके फोन में। हमें उसे ढूंढना होगा। चलो। नीचे उतरो। चलो चलो यहां से। पानी मिलेगा क्या? रहने दो। अरे रुको रुको, क्या कर? तुम ठीक तो हो? मुझे मौरी मिल गया, वो गाड़ी में। हेडक्वार्टर, मुझे यकीन है कि मौरी इस किडनैपिंग से यूरो वैल्यू गिराना चाहता है।
पे, ठोक दो उसे। एम्बुलेंस को फोन करता हूं। सांस लेती रहो, गहरी सांस लो। हम वेकेशन पे नहीं जा पाएंगे। सुई, सांस लेती रहो। सॉरी, माफ कर दो मुझे। सॉरी। Thank you.
अब हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का ईंधन बचा है। मारे जाओगे। वो डिवाइस हमें दे दो। मैं वादा करता हूं तुम में से एक जरूर मरेगा। तुम्हारे पास एक ही गोली बची है। तुम सही कह रहे हो, पर तुम ज्यादा करीब हो। मेरी नजर तुम पर है। उसके फोन से लीन को वापस लाओ। फेस रिकॉग्निशन मांग रहा है। एक्सेस डिनाइड। एक और गलत प्रयास के बाद फोन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसका फेस नहीं है। हे, रुको! हमारे पास एक ही चांस है। उसने कहा था कि वो नकाब बनाता है। आपका स्वागत है मिस्टर मोरी। रूट कंट्रोल निकाल दिया गया है। देखो, सुपरवाइजर के एलआई कंट्रोल HB2201 स्क्रीन पर वापस आ गया है। मैंने ढूंढ लिया। शुक्रिया। Yes. नेटवर्क सिक्योरिटी ब्यूरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वो कुआलालंपुर पे लगे रेड अलर्ट को हटाने की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस हादसे का अपराधी तकाशी मोरी, सीईओ ऑफ ओएसएस कॉर्पोरेशन को मार गिराया है। साथ ही पुलिस ने चारों सीईओ को हाईजैक प्लेन से सुरक्षित छुड़वा लिया है। इंटरपोल की EC3 यूनिट ने इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद जिस किसी ने ओएसएस को अपग्रेड किया था, उनकी डिवाइसेस में तकनीकी खराबी दिखने लगी है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं।
यकीन नहीं होता कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसने इस दुनिया में अपना काम खत्म किया और दूसरी दुनिया में चली गई। शायद वो वहां ज्यादा खुश होगी। मेरे पास जो ये शख्स खड़ा है, इसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। उसने कुछ भी नहीं कहा, पर उसके शांत चेहरे के पीछे बहुत दर्द है। मैं समझ सकता हूँ, ये भी उसके लिए वैसा ही फील करता है जैसा मैं। चलो कहीं आराम से बैठते हैं।推开我，抱紧，有我。